नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। वक्त तो हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का, जिसमें बात आज किसकी गारंटी दिलाएगी गद्दी। 24 का चुनाव गारंटी का चुनाव बन गया है। एक तरफ है मोदी की गारंटी, दूसरी ओर है राहुल गांधी के वादे। प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी की गारंटी की भी गारंटी है, और राहुल गांधी कहते हैं जो हम कहते हैं करके दिखाते हैं। लेकिन जनता को किसके वादों और किन गारंटियों का भरोसा है? युवा, महिला, पिछड़ा वर्ग, गरीब, किसान, यानी सभी वर्गों की बात हो रही है। लोक लुभावन वादों की भरमार है। चुनाव से पहले जनता के मूड को भापकर सियासी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो तैयार करने में जुटी हैं, क्योंकि जिसके वादों गारंटियों का जितना वेटेज, वोट उसकी झोली में ज्यादा। देखिए 24 की नई नीति गारंटी। एक दो परसेंट लोग हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का कब्जा कर लिया है। महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण, ये मोदी की गारंटी है। यही बार एनडीए सरकार ...2024 के सियासी अखाड़े में हर बीतते दिन के साथ सियासी जंग और भी तेज होती जा रही। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जनता के बीच मोहब्बत की दुकान खोले बैठे। इस बार जंग बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं, बल्कि इस बार जंग एनडीए बनाम इंडिया की है, जिसमें दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पीएम मोदी ने नारा दिया है कि अब की बार बीजेपी 370 सीट और एनडीए 400 पार। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी इस बार मोदी की गारंटी को अपना हथियार बना रही है, और यही वजह है कि मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार का आंकड़ा छूकर रहेंगे। पूरा देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता बहन कह रही है, अब की बार मोदी जहां जाते हैं अपनी गारंटी का हवाला देते हैं, चाहे तेलंगाना हो या फिर बंगाल। मोदी का साफ कहना है कि मोदी की गारंटी मतलब काम के पूरा होने की गारंटी। महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण, ये मोदी की गारंटी है। मोदी ने बहन बेटियों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की गारंटी दी थी, वो पूरी हो चुकी है। मोदी ने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की कुरीति से मुक्ति की गारंटी भी दी थी, ये गारंटी भी आपके आशीर्वाद से मोदी ने पूरी की। एक तरफ मोदी अपनी गारंटियों के सहारे 24 को साधने की तैयारी कर रहे, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी कांग्रेस की गारंटी से लोगों को अवगत कराने में लगे। उनका साफ कहना है कि अगर कांग्रेस समर्थित इंडिया गठबंधन सत्ता में आई तो जनता से किया हर वादा पूरा करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि हम झूठे वायदे नहीं करते हैं, जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। सरकार का लक्ष्य जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, युवा हैं, उनकी रक्षा करना और उनके भविष्य को सुनहरा बनाना है। हम आपको एक साफ सुथरी नॉन करप्ट सरकार देंगे। राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर है। उनका साफ कहना है कि सरकार युवाओं और किसानों, मजदूरों और गरीब तबकों के सपनों को कुचल रही, और सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई। 1-2% लोग हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का कब्जा कर लिया है। अदानी जी यहां आपकी जमीन छीनते हैं, हिमाचल में सेब का बिजनेस करते हैं, मुंबई का एयरपोर्ट चलाते हैं, हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स उनके हाथ में, माइनिंग करते हैं, फूड स्टोरेज का बिजनेस करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी। साथ ही जनता के बीच किन वादों को लेकर जाना है, इसके लिए घोषणा पत्र भी तैयार हो चुका है।
हालांकि कांग्रेस ने अभी इसे सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित होने के बाद इसे जारी कर दिया जाएगा। आखिर कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी की गारंटी में क्या क्या है खास, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। जी हाँ, तो 2024 के लोकसभा चुनाव का अखाड़ा है जो सच चुका है। ऐसे में चाहे मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन हो या फिर राहुल गांधी की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन, तैयारी जोरों की है। ऐसे में जनता को अपने पाले में लाने के लिए दोनों ही दल गारंटियों की बौछारें कर रहे हैं। सार्वजनिक मंचों से राहुल गांधी मोदी दोनों अपनी अपनी गारंटियां जनता को बता रहे हैं। तो सबसे पहले बात राहुल गांधी की गारंटी की अगर हम करें तो युवा, महिला, गरीब, किसान, बेरोजगार से लेकर पिछड़ों तक की इसमें बात कही गई है। हालांकि कांग्रेस का घोषणा पत्र आना अभी बाकी है, लेकिन जो बातें जनता से कांग्रेस करने वाली है, चलिए सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। आपको दिखाते हैं मैनिफेस्टो में क्या कुछ हो सकता है। पांच मुख्य वादे, ये देखिए, युवाओं के लिए जो सबसे पहला वादा किया गया है वो ये कि केंद्र सरकार के 20 लाख पद भरे जाएंगे, यानी बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक चल रही है इस चुनाव। दूसरा, जॉब कैलेंडर जारी होगा, कब कहां कितनी वैकेंसी निकलेगी इसकी जानकारी युवाओं को दी जाएगी और साथ ही साथ कहां कहां वैकेंसी है इसका भी ब्यौरा इसके माध्यम से, जॉब कैलेंडर के माध्यम से मिलेगा। पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून की बात कही गई है, यानी सरकार अगर कांग्रेस की बनती है तो कांग्रेस का फोकस होगा जो पेपर लीक होता है उसके खिलाफ कानून लाने के लिए। साथ ही अग्निपथ योजना बंद होगी, यह भी कहा गया है। सरकार आने पर कांग्रेस ये भी काम करेगी, ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारी युवा बेरोजगारों को सरकारी भत्ता मिलेगा इसकी भी बात कही गई है। तो ये पांच अहम बातें जो मैनिफेस्टो का हिस्सा हो सकती हैं। अब गरीब महिलाओं को हर महीने 6,000 रुपए सरकार आने पर देगी, ये भी कहा जा रहा है। देखिए अगला पॉइंट, देखिए महिलाओं को 6,000 महीना केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण महिलाओं को, इसकी भी बात कही गई है। महिलाओं को कैसे फोकस किया जा रहा है, सस्ते गैस सिलेंडर्स की भी बात कही गई है, यानी और सस्ता। एक बड़ी अपील होती है अगर गैस के दाम कम होते हैं तो सीधा, क्योंकि बजट घर का महिला देखती है उसके ऊपर असर होता है इसका। अब देखिए पिछड़ा वर्ग की बात कर ली जाए तो जाति आधारित जनगणना करवाएंगे, यह कहा गया है। लगातार हर मंच से राहुल गांधी यह फोकस में रखते हैं। ओबीसी आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई जाएगी, ये भी कहा गया है कांग्रेस की तरफ से, कितनी ये नहीं बताया गया लेकिन बढ़ाई जाएगी। जातीय गणना जब होगी उस आधार पर ये सीमा जो है उसमें इजाफा होगा। किसानों को देखिए कैसे फोकस में रखकर काम किया जाएगा, MSP को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, ये बड़ी बात राहुल गांधी अब भी कह रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हम कानूनी दर्जा देंगे। इसके अलावा गरीब किसानों की कर्ज माफी की बात कही गई है, गरीब मतदाताओं को भी अपने पाले में लाने की यहां पर बात हो रही है, कैसे वो देखिए। गरीब परिवारों को 72,000 सालाना ये कहा गया है कि देंगे, मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाने की भी बात कही गई है। ये जो 72,000 सालाना हम आपको कह रहे हैं इसमें मनरेगा को भी जोड़ा गया और कहा गया है कि दिहाड़ी भी हम बढ़ाएंगे, यानी मजदूर तबका जो है उसको भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश है। यानी कांग्रेस की गारंटियों में हर वर्ग को साधने का प्लान है ताकि 24 में दिल्ली दरबार में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की एंट्री हो पाए। हालांकि इन घोषणाओं का औपचारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन कांग्रेस का फोकस लगातार इन मुद्दों पर रहा है। देखना दिलचस्प होगा जनता राहुल की गारंटी पर कितना यकीन कर पाती है मोदी के सामने। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस खासी उत्साहित नजर आ रही, वहीं कांग्रेस लगातार इस न्याय यात्रा को आम आदमी से जोड़ने की कोशिश कह रही। राहुल की न्याय यात्रा में 5 न्याय को मुद्दा बनाया गया, नारी न्याय, युवा न्याय, भागीदारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय को खासा तवज्जो दिया जा रहा है। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार कह रहे हैं कि राहुल जिस किसी भी राज्य में जाते हैं गारंटी देते हैं और जो गारंटी उन्होंने दी उसे लागू भी किया है। जब कभी भी राहुल गांधी जी किसी राज्य में जाते हैं उन्होंने गारंटी दी, चाहे तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो, जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हमारे जो भी गारंटी है वो हम दिला के रहेंगे। हमारी गवर्नमेंट अगर आई तो जरूर हम दिलाएंगे। उधर राहुल का मेन फोकस युवाओं पर है क्योंकि देश के 62% से ज्यादा मतदाता युवा, ऐसे में कांग्रेस के साथ साथ राहुल का उन पर फोकस है। यही वजह है कि अपने चिर परिचित अंदाज में राहुल गांधी ने एक बार फिर अग्निवीर योजना को देश के युवाओं के साथ अन्याय बताया, सैनिकों में भेदभाव का सबब भी बता दिया। पहले सेना में भर्ती होती थी, सेना उनको गारंटी देती थी, कहती थी देखिए आप में देशभक्ति की आग है, आप देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हो
तो हम आपकी रक्षा करेंगे। अगर शहीद हो जाते थे तो शहीद का रिस्पेक्ट मिलता था, अब अग्निवीर लागू कर दिया। इसमें कहते हैं देखिए, चार लोगों की भर्ती होगी, चार में से तीन को हम निकाल देंगे। कोविड के समय अग्निवीर से पहले सेना ने 1,50,000 युवाओं को भर्ती का कमिटमेंट दिया। तीन साल उनको इधर उधर घुमाया, फिर उनको निकाल दिया। उनको ना कोई कॉम्पेंसेशन दी, उनको ना अग्निवीर में जाने दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पेपर लीक और जातीय जनगणना का मुद्दा भी राहुल लगातार उठा रहे हैं। साथ ही बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने देश के गरीब बच्चों के सपनों पर ताला जड़ दिया। आपके बच्चे सुबह उठें, पढ़ाई करें, दो तीन साल पढ़ाई करें, फिर एग्जाम का समय आता है, गरीब बच्चा इस साइड देखता है, वही 2-3-4% लोग सुबह आते हैं, उनके मोबाइल फोन पे 2-3 दिन पहले पेपर आ जाता है, पेपर लीक हो जाता है। उनकी तैयारी 5 सवालों की, आपकी पूरी सिलेबस की, मर गए आप। तो ये भी रास्ता बंद कर दिया। इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं, पिछड़ों की आबादी कितनी मालूम है आपको? सब मिलाकर तकरीबन 90% होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट है, उसकी लिस्ट निकालो, उसमें आपको 90% का एक नहीं मिलेगा। यह है सामाजिक अन्याय और ये हर संस्था में हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस अपनी गारंटियों की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार मोदी के गारंटी के सहारे 24 के चुनावी वैतरणी को पार करने में लगी। क्या है बीजेपी का एक्शन प्लान जिससे वो 370 सीट पाने की उम्मीद कर रही है? बीजेपी फर्स्ट टाइम वोटर यानी पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं तक पहुंचेगी और उन्हें मोदी सरकार की उपलब्धियों और मोदी सरकार के विकास का रोड मैप बताकर अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 10,000 जागरूक मतदाता को नमो ऐप से जोड़कर उनको पीएम मोदी के मिशन से जोड़ा जाएगा। पार्टी के सभी नेता और सक्रिय कार्यकर्ता हर 30 दिन में अपने आसपास के बूथों पर जाएंगे और पन्ना प्रमुख से मिलेंगे। अपना बूथ सबसे मजबूत अभियान को पार्टी और संगठन में तालमेल बिठाकर ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़कर हर कार्यकर्ता को 10 वोट सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। केंद्र सरकार की योजना सभी लाभार्थी तक पहुंचे और उन्हें मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के साथ ही राम मंदिर, अनुच्छेद 370 हटाया, नई संसद, 3 तलाक, वन रैंक वन पेंशन, विदेश नीति, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था जैसी बातें बताएं। सभी जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और प्रभारी हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का टारगेट पूरा करेंगे। मोदी के परिणाम को देश के 6 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी परिवार तक पहुंचाएं और प्रधानमंत्री का पत्र भी सौंपें। केंद्र सरकार की महिला लाभार्थियों तक पहले दौर में ही पहुंचे और महिला कार्यकर्ता जरूर हों जो लाभार्थी के घर आंगन तक जाएं और बैठकर बात करें, चाय पिए। जिन जिन राज्यों में बीजेपी या एनडीए गठबंधन की सरकार है, उन राज्यों में संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाकर संपर्क अभियान चलाया जाए और मोदी है तो मुमकिन है बुकलेट दें, यानी मोदी के मिशन में पूरी पार्टी जुट गई। ऐसे में सवाल उठता है कि वो कौन कौन सी गारंटी है जिससे मोदी 24 में 400 प्लस का सपना देख रहे हैं। तो 2014 से दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान प्रधानमंत्री मोदी इस बार जीत की हैट्रिक का दावा कर रहे हैं। सिर्फ दावा ही नहीं बल्कि 400 प्लस का ऐलान किया गया है। बीजेपी को यकीन है जनता मोदी के गारंटी पर विश्वास जताएगी, उन्हें लगातार तीसरी बार सत्ता के शिखर तक पहुंचाएगी। तो चलिए, युवा, महिला, किसानों को लेकर सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं जिसके दम पर बीजेपी 400 प्लस का सपना देख रही है, उसे जानना समझना भी यहां पर महत्वपूर्ण है। तो क्या क्या करने वाली है मैनिफेस्टो में, क्योंकि इसी आधार पर अंकित होंगे तमाम पॉइंट्स। आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो युवाओं की बात कर लेते हैं। चार वर्ग की भी बात की थी प्रधानमंत्री ने, युवा, महिला, गरीब और किसान। अब सबसे पहले युवा की बात, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसकी बात कही गई है। इसके तहत मोदी सरकार देश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए ऋण सहायता प्रदान कर रही है। कोई भी बेरोजगार युवा अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहता है तो इसके माध्यम से उन्हें लाभ मिलेगा। दूसरा देखिए, आत्मनिर्भर भारत योजना, इसकी बात कही गई है। नौकरी से लेकर व्यवसाय तक के सभी क्षेत्रों को इसके माध्यम से कवर किया जाएगा, लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।
इसके बाद तीसरा प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, यह सब कुछ रोजगार को ध्यान में रखते हुए। मुद्रा लोन योजना आप जानते हैं, इस योजना का पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए है। यह योजना देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है, कंटिन्यू रहेगी। पीएम वाणी योजना, इसकी भी बात कही गई है इस बार प्रधानमंत्री की तरफ से, और यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पीएम ये योजना जो है वो फ्री वाईफाई स्कीम से जोड़ी गई है। इसके कारण देश भर के सार्वजनिक वाईफाई सेवा का बड़ा नेटवर्क निर्माण किया जाएगा और इसके कारण लोगों को काफी मदद प्रदान की जाएगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद अगली योजना की हम बात करते हैं जो कि महिलाओं के लिए है। सबसे पहली महत्वपूर्ण, आपने सुनी भी होगी, कई बार जिक्र होता है, महतारी वंदना योजना, वंदन योजना, जिसके तहत सरकार हर महीने महिलाओं के अकाउंट में सीधा 1,000 रुपए की राशि का योगदान करती है, यानी कि पूरे साल में 12,000 रुपए का लाभ मिलता है। दूसरा देखिए सुकन्या समृद्धि योजना, 10 साल की छोटी बच्चियों के लिए भी है ये योजना, जिसमें कोई भी व्यक्ति वर्ष भर से कम 250 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए तक का डिपॉजिट कर सकता है इसके तहत। अब देखिए आगे, महिलाओं को 33% आरक्षण की बात, ये बहुत बड़ा प्रावधान है, यानी केंद्र सरकार की नौकरियों से लेकर हर सरकारी वर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान, जिससे आर्थिक तौर पर महिलाएं सशक्त हो पाए, मजबूत बन पाए। फिर आता है महिला शक्ति केंद्र स्कीम, इसकी भी बात कही गई है। चौथा, ये तमाम चीजें हैं जिसमें महिलाओं को शामिल करके फोकस करके इस मैनिफेस्टो में हम देख सकते हैं कि ऐलान हो। अब किसानों की बात कर लेते हैं क्योंकि किसान एक बड़ी समस्या मोदी सरकार के लिए बन रहे हैं, वो भी चुनाव से पहले, जब उनके हुंकार देखने को मिली है तो फिर ये चिंता का सबब है। इनके लिए क्या होगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसकी बात कही गई है, जिसके तहत हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त लाभार्थियों को दी जाती है और ऐसा करके किसानों को यानी कि सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद सरकार की तरफ से मिलती है। दूसरा देखिए साइड हेल्थ कार्ड भी उपलब्ध करवाया जाएगा, इसके तहत किसानों को हेल्थ इंश्योरेंस सरकार देती है, किसी भी संकट से खुद की रक्षा कर पाए तो यह कंटिन्यू रहेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी बात है, यह किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी हो पाएगी। चौथा देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके तहत कृषि उत्पादकता में सुधार लाने, देश में संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने का काम किया जाता है ताकि किसान जो है वो स्वावलंबी बन पाए। यानी मोदी सरकार युवा किसान महिलाओं के दम पर 2024 की चुनावी बैतरणी को पार करने की जुगत में है। देखना दिलचस्प होगा कि देश के मतदाताओं को राहुल बनाम मोदी की गारंटी में किसकी गारंटी पर ज्यादा भरोसा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज 24।